अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम जा रहे हैं जिम। जिम जाना है लगभग 3 दिन के बाद, तो काफ़ी रेस्ट हो गया, तो इसलिए इतनी प्रोटेक्शन के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर पसीना वगैरह आता है, तो वहाँ से फिर काफ़ी सर्दी लगती है, इसीलिए। तो इसीलिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि बीमार ना हो जाए, इसीलिए। चाबी कहाँ गई? चाबी रोड यहाँ से काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए, और ट्रैफिक जाम तो यहाँ से नहीं होता है क्योंकि ये लिंक रोड है पांपोर से खरीव तक, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ से। तो अब हम मिलते हैं जिम के पास। पहुंच गए हम जिम। चलिए जी, ट्राईपॉड भी हमारा पहुंच गया आज। अमेज़ॉन वालों ने कॉल किया था कि आपका जो पार्सल है वो पहुंच गया है, तो हम वही जा रहे हैं। स्काईलाइट, स्काईलाइट, स्काईलाइट। हाँ ये है, इनको कॉल करते हैं। आख मिनट, आख मिनट। आ आ शाबाश, सर्विस लूज, मगर बहुत टाइम हो गया, चलते हैं घर। चलो जी, घर भी पहुंच गए हम। दरअसल इंसान काफ़ी रिलैक्स हो जाता है जब 3-4 दिन के बाद एक्सरसाइज करता है, तो जंगोज भी यालो विंकेनस। तो जो जिम है हमारा काफ़ी पुराना है, अच्छे आयरन वेट सॉरी, मगर अच्छे पेवा हेस थाऊँ ताकि कहीं पे अगर गिर गया तो
इंसान उड़ता नहीं, उड़ जाता है। और राम प्यारी को लेते हैं अंदर। तो मैं जिम के बारे में बोल रहा था, काफी पुराना जिम है वहां पे, वो अलग फीलिंग आती है वहां पे, जो आवाज होती है वेट की बहुत ही ज़बरदस्त आती है आवाज़। अलग अलग जिम भी है वहाँ पे, लेकिन उनका जो वेट है वो, उनको जो है रबर की कोटिंग की होती है, तो उनमें वो फील नहीं आता है, वो पंप नहीं आता है वहाँ पे। जो बाकी स्टफ है व्लॉगिंग का वो भी आ जाएगा, वो ऑर्डर किया है मैंने, वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो जो भी प्रॉब्लम होती है इस टाइम आवाज़ में, बाकी सारी चीज़ें, वो इंशाल्लाह सारी ठीक हो जाएंगी। आप बस सपोर्ट करते रहेगा और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच।